top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. इसमें 21 तारीख को एक सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चांदी व्यापारी से कुछ चांदी लूटने का मुकदमा लिखा गया था। उसकी घटना सामने आई थी, उसके लिए टीम लगाए हुए थे। तो इसमें पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 56 किलो 300 ग्राम चांदी, नाजायज असले और घटना में प्रयुक्त गाड़ियां ये बरामद किए। ये अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, दिल्ली के भी हैं, गाजियाबाद के हैं, नोएडा के भी, गौतम नगर के भी दो अपराधी हैं और बुलंदशहर के भी हैं। इसमें रियल एस्टेट के काम करने वाले भी हैं। ये कहा जा रहा है कि MBA है, MCA और एक MBA ग्रेजुएट भी कहा जा रहा है, वेरीफाई करेंगे। और ऐसे भी क्वालिफाइड लोग इसमें इन्वॉल्व मास्टरमाइंड इसमें एक शशिकांत शर्मा है जो दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन वेचना में यही मास्टरमाइंड है। इन्होंने ही बाकी लोगों को लूट करने के लिए बताया गया और बाकी को इकट्ठा किया। इसमें नंबर की बात ऐसा है कि ये जो रिकवरी हुई है और इसमें तो निश्चित रूप से उनको जानकारी दिया जाए, क्योंकि भारी मात्रा में रिकवरी है तो जानकारी उनको दिया जाएगा और वादी से भी वेरीफाई करा देंगे कि आपकी सोर्स क्या है और कैसे लाए थे। पहली प्रायोरिटी ये रहेगा कि लूटी गई संपत्ति बरामद। अरे इतने सारे लोग तो नीचे दादा पानी बनेगा, ऐसा बनाओ ना। सुनो ऑटो को एक साथ यूज करो, बस आगे पीछे करके बैठ ले लो।